प्यारे दोस्तों, सुनार के काम में तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंगनों और चूड़ियों के बारे में जानकारी देंगे कि सोने के काम में जितने भी आजकल चूड़ियाँ, कंगन वगैरह बनाई जा रही हैं, ज़्यादातर ये 18 कैरेट में बनाए जाते हैं, क्योंकि सोना जो शुद्ध होता है वो 24 कैरेट में होता है और उसमें 400 मिलीग्राम तांबा मिला करके उसे 23 कैरेट बना दिया जाता है। यदि उसमें डबल तांबा मिलाया जाए, 800 मिलीग्राम मिलाया जाए, तो वो 22 कैरेट बन जाता है। और यदि उसमें 400 मिलीग्राम और मिला दिया जाए तो 18 कैरेट, यदि 1200 मिलीग्राम तांबा मिलाया जाए तो वो 18 कैरेट का तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम सोना गलाकर उसमें तांबा मिलाकर उसे मजबूती प्रदान की जाती है और मजबूती बनाने के बाद उसकी पत्ती निकाली जाती है। और पत्ती निकालने के बाद प्रथम हम डाई की कंगनों पर आते हैं, डाइयों की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। ये आप देख रहे हैं फोटो, ये सारी की सारी डाइयों से तैयार की गई हैं। इसमें वो पत्ती निकाली गई है और वो डाई में दे करके बाहर निकाली गई है। ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार की डाइयाँ हैं। ये देखिए, ये मेरे पास फोटो तैयार है, अलग प्रकार की डाई से है। अब दूसरे हम कंगन देख सकते हैं। इसे हम कंगन कहेंगे क्योंकि ये हाथ से तैयार किए गए हैं। इसमें प्रथम पत्ती गोल गोल पत्ती घुमाई गई है और उसके ऊपर बारीक बारीक गोल गोल दाने रखे गए हैं, जिसे हम गोली कहते हैं, जो लगभग 20 मिलीग्राम से लेकर के 50 मिलीग्राम गोली लगी हुई है। एक एक गोली 20 मिलीग्राम की हो तो उसमें यदि 10-10 गोली इकट्ठी लगाई जाए तो उसका वजन, ग्राहक का जो दिया गया वजन है उसी हिसाब से वो गोली लगाई गई है। मान लो कि ग्राहक ने 50 ग्राम दो चूड़ी का ऑर्डर दिया है तो उसी हिसाब से एक एक चीज लगाई गई है। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गोलाई आप देख रहे हैं, इसमें ये जो गोलाई नीचे लगी हुई है, तो उसमें प्रथम तारों को आपस में मिला करके घुमाया जाता है, जिसको कि हम उसका गोलाई वाली तार कहेंगे। दो 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 तारें आपस में मिला करके मशीन से घुमाया जाता है। वो तारें इसमें बहुत सारी लगी हुई हैं और इस प्रकार आप देखेंगे कि ये मीनाकारी में है कि इसमें कुछ मीना का स्थान रखा गया है ताकि बाद में मीना किया जा सके। आप देखेंगे कि अब ये जो चूड़ी कंगन तैयार किया गया है, ये नीचे से खाली है, ऊपर इसका डिजाइन किया गया है। इसमें एक प्रथम ग्राहक का जो है माप लिया जाता है, अपने हाथ का, उसका कितना माप उसके फिट आ रहा है। जैसे ये माप है, इस माप का यदि ये ऐसे डाल करके और ये मुझे टाइट है, इसको थोड़ा सा और खुला कर करके इसके अंदर जहाँ तक उसे फिट आता है उसका माप दिया जाता है और उसे इस प्रकार पत्ती कर, गोलाई पत्ती दो प्रकार की कर, और उसके ऊपर डिजाइन बनाया जाता है, उसके ऊपर और पत्ती चढ़ा करके उसमें डिजाइन बनाया जाता है, ताकि वो डिजाइन जो ग्राहक ने दिया है वो सही, उसे सही प्रकार से दिख सके। और एक और कंगन है जो पूरी गोलाई में है, मतलब कि पत्ती को पूरा गोलाई कर करके घुमाया जाता है और उसके ऊपर थोड़े थोड़े डिजाइन हाथ से बनाए जाते हैं, उसमें अंदर लाख डाल करके और उसके ऊपर डिजाइन बनाए जाते हैं,
कई प्रकार के डिजाइन बनते हैं इसके अंदर, आप डिजाइन देख सकते हैं। ये अंदर से खाली होते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सॉलिड हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं और बाहर इसके ऊपर डिजाइन बनाए जाते हैं हाथ से। तो मैं ये आपको थोड़ा सा डिजाइन के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था कि ये कंगन हर उम्र की लड़कियां डाल सकती हैं, 16 साल से लेकर के 50 वर्ष की उम्र तक अलग अलग डिजाइन होते हैं। कोई भी डिजाइन, एक चूड़ी कम से कम 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक बनाई जाती है। कोई भी यदि बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं।